अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अल्लाह की अमान में होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग सभी लोगों को जुमा मुबारक, और आप लोगों के लिए जुमा बहुत अच्छा बीता हो, ऐसे ही जो है अल्लाह से दुआ है। तो आज जो है जुमा है, और जुमे का दिन वैसे भी हमेशा की तरह हैट्रिक ही रहता है। तो जो है खाने में सोच रहे थे क्या बनाएं। आज कई दिनों से जो है बच्चे भी कह रहे थे कि कढ़ी मम्मी बना लो, तो सोचा जो है कढ़ी पका लेते हैं। जब तक कढ़ी पक के तैयार होगी, जब तक जो है बाकी के सारे काम भी निपट जाएंगे, क्योंकि कढ़ी पकने में जो है काफ़ी देर लगती है। और जब तक कढ़ी को खूब अच्छी तरह से जो है पकाओ नहीं, तब तक जो है बेसन कच्चा कच्चा सा लगता है और जो है टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। तो जो है कढ़ी हमने पकने के लिए रख दी है, और जब तक हम बाकी के और काम करेंगे, जब तक चावल वगैरह जो है फरीन देख लेंगे। तो गाइस, कढ़ी हमने बनने के लिए रख दी है और चावल जो है फरीन बना लेंगी। साथ में मशीन लगाई है, तो जब तक हम कपड़े वपड़े धो लेंगे, और फिर जुमा भी है तो नहाने धोने के बाकी की जो है जुमे की भी तैयारी करनी है। तो फिर नमाज के बाद में जो है हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था, फिर उसके बाद में थोड़ा आराम वगैरह करा। तो शाम के स्नैक के लिए जो है बुछवा सैंडविच बनाने के लिए कह रही थी, तो वो सैंडविच बनाने लगी। तो उसके लिए उन्होंने आलू उबाले थे और फ्लफी भी आ गए, और फ्लफी को जो है बॉयल आलू बहुत पसंद है, बहुत शौक से खाते हैं। तो हम उनको जो है आलू खिला रहे थे, इतने मज़े से जो है खा रहे हैं। और इनको फ़ोटो खिंचाने का भी बहुत शौक है, देख रहे थे कि जो है वीडियो शूट हो रही है, तो बार बार जो है खाते जा रहे थे, और जहाँ ब्रेक ले रहे थे वहाँ कैमरे की तरफ देख रहे थे बीच बीच में कि मेरा जो है पिक्चर अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा, फ़ोटो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये देखते रहते हैं। इनके सामने कैमरा ऑन करके अगर आप फ़ोन लेके खड़े हो जाइए तो बहुत स्टाइल से फ़ोटो खिंचाते हैं। मेरी और बाकी बिल्लियों को इतना शौक़ नहीं है, लेकिन फ्लफी को जो है बचपन से ही फ़ोटो खिंचाने का बहुत शौक है। और मेरे घर में जो है फ्लफी के बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, क्योंकि बहुत आराम से फ़ोटो खिंचवा लेता है। बस इनका पेट भर गया तो ये भी चले गए। तो बाकी की तैयारियां बुशरा कर रही थी, और काफ़ी अच्छे और टेस्टी जो है सैंडविच बनाए थे बुशरा ने। बुशरा को हमारी जो है खाने का जो है शौक़ है, तो बनाने का भी वो शौक रखती है, कुछ ना कुछ नई नई रेसिपी ट्राई करती रहती हैं रील्स वगैरह पे देख देख के। तो मैं फरीन को जो है कुकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बहुत दूर भागती हैं, उनसे अगर खाने बनाने के लिए कह दो तो बहुत मुश्किल से खाना बनाती हैं। तो सारी तैयारी जो है बुशरा कर रही है, और प्याज टमाटर वगैरह चॉपर में चॉप कर लिए थे। हाथ सने हुए थे तो मिर्ची जो है पैकेट से नहीं निकाल पा रही थी, तो मिर्ची वगैरह निकालने में हमने हेल्प कर दी। अभी नमक मिर्च जो है वो थोड़ा जो है समझ भी नहीं पाती कितना डालना है कितना नहीं डालना है। साथ में हमने जो है चाट मसाला ऐड कर दिया था। और साथ में हींग डाली थी, तो सैंडविच में हींग का फ्लेवर जो है बहुत अच्छा लगता है, मेरे घर में सबको पसंद आता है।
तो सारी तैयारियां करके जो है ब्रेड में जो है सैंडविच को आलू को सॉरी सैंडविच को नहीं आलू को फिल करके जो है सैंडविच बना दिए थे और जो है सैंडविच मेकर में बनाए थे और साथ साथ जो है टेस्ट भी करती जा रही हूँ। तो नमक ने थोड़ा कम लग रहा था तो फिर नमक बाद में और ऐड करा। और सच में बहुत जो है मज़े के बनाए थे सैंडविच। चखते चखते जो है काफ़ी जो है आलू जो बुछड़ा ने खा लिए थे। और फरीन से कह रही थी बहुत टेस्टी बने आलू लग रहे हैं। फरीन भी जो है खाने लगी थी ऐसे ही आलू। ये क्रिस्पी से अच्छे से सैंडविच बनके तैयार हो गए। फरीन ने साथ में बना ली थी चाय। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।